स्वागत है आपका निशिन न्यूज में और मैं हूं रितांभरा आपके साथ। पटना के ज्ञान भवन में बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान सभी जिले के डीएम भी मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि बिहार निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। जी, इस खबर पर हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज बिहार दिवस के अवसर पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए कामरा, ज्ञान भवन में आयोजन किया गया है बिहार दिवस के मौके पर वहाँ, लेकिन वहाँ ये है कि कोरोना का असर वहाँ दिख रहा है। 200 लोग ही अंदर गए हैं और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अन्य मार्ग से जुड़े हुए हैं और तमाम मंत्री भी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिला के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, ज्ञान भवन में अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भी हर एक विभाग के अलग अलग अधिकारी बैठे हुए हैं। यहाँ से चल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अभी मुख्यमंत्री कुछ बोले नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का अभी कार्यक्रम अभी चल रहा है और बच्चियां भी आई हुई, स्कूल की बच्चियां हैं, कुछ बैठी हुई, क्योंकि प्रोटोकॉल को, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बहुत कम लोग ही ज्ञान भवन पहुंचे हैं यहाँ। जी राजीव, पिछले साल कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो पाया था, इस बार एक साल के बाद बिहार दिवस मनाया जा रहा है, हालांकि वर्चुअली मनाया जा रहा है। इसमें और क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, अभी वो बोल रहे हैं संवाद में, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखिए नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली को लेकर काफी फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली बहुत जरूरी है और जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री हमेशा एक तरीके से तत्पर रहते हैं। हर एक किसी कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली को हमेशा फोकस करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि वो शिक्षा पढ़े। वही शिक्षा मंत्री ने भी कहा, जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा को लेकर बच्चों को, हर एक बच्चों को एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं और स्कूल आए। मुख्यमंत्री अभी पहला बोलना स्टार्ट कर दिए हैं तो वो कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली को लेकर उनका काफी इस पे ध्यान है इस बार के आयोजन पे। जी राजीव, ये इस कार्यक्रम में, ये 3 दिन चलने वाला है, इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? इस बार आपको फोकस एक तरीके से शिक्षा और जल जीवन हरियाली को लेकर ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का खास इस पे एक तरीके से फोकस है कि शिक्षा को लेकर जिस तरीके से माहौल है, शिक्षा में बार बार विपक्ष आरोप लगाती है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा को इस बार जोर दिया जाए। वहीं स्वास्थ्य, कोरोना का भी लेकर कहीं कि कोरोना तब तक टिक चुकी है और जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें आपको दिखाई देंगे। जी राजीव, आपने जल जीवन की बात कही, इसमें जल जीवन पर फोकस किया जा रहा है इस बार, तो जल जीवन से आम लोगों को जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए जल जीवन हरियाली एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरीके से बिहार सरकार की है, उसको लेकर गांव-गांव में जो भी है, गांव-गांव में लोगों को एक तरीके से जागरूक किया जाएगा कि आप एक पौधे लगाएं और हर एक, जैसे बिहार सरकार ने कम से कम अभी तक 2 से 3 करोड़ पौधे लगाने की बात कही और कहा है कि जिस तरीके से नदी का कटाव चाहे जो भी है उस हो रहा है उससे कहीं ना कहीं बिहार को नुकसान है। इसी को लेकर जैसे आपको कभी गर्मी के समय में ठंडे की तरीके से होने लगती है, फिर बारिश नहीं हो पाती, तो उसको लेकर सरकार जल जीवन हरियाली पे हमेशा फोकस कर, जब से नीतीश कुमार कुछ ग्लोबल वार्मिंग की बात हमेशा करते रहते हैं कि भाई अगर पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो हम एक तरीके से अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया राजीव। तो आपको बता दें कि आज बिहार दिवस के अवसर पर वर्चुअली आयोजन किया जा रहा है बिहार दिवस का, सीएम नीतीश भी जुड़े हुए हैं अपने अधिकारियों के साथ और कई मंत्री भी इसमें शामिल हैं और स्कूल के बच्चे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा ले रहे हैं।